हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज है 14th of June 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज जैसे कि अदानी ग्रुप के अंदर हर शेयर के अंदर आज हमें क्रैश होता हुआ नजर आया, शेयर के अंदर गिरावट, उसके साथ साथ मार्केट भी गिरावट। तो अदानी ग्रुप क्रैश होने से यहाँ पे टोटल 7 शेयर ऐसे स्टॉक है जिसको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। कौन से ये 7 स्टॉक है इस वीडियो में हम जानेंगे और उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज 14th of June 2021 को अदानी ग्रुप के हर एक शेयर के ऊपर से सुनामी बह गया है। जी हाँ दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन पहले सुचेता दलाल जी की एक ट्वीट में आज पूरा मार्केट को हिला दिया। उसके बाद तो मार्केट थोड़ा बहुत हमें रिकवर भी कर दिया, बट अदानी ग्रुप के कोई भी शेयर के अंदर कोई खास रिकवर देखने को नहीं मिला था। चलिए, इसके ऊपर तो मैं एक कुछ टाइम पहले ही एक कंप्लीट डिफरेंट न्यूज़ बना चुका हूँ। अब देखिए, अदानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, इसका अलग अलग सेक्टर में बिजनेस है, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, जैसे कि पोर्ट सेक्टर हो गया, जैसे कि गैस सेक्टर हो गया, अलग अलग सेक्टर में बिजनेस है। अब देखिए, इतना बड़ा ग्रुप है तो इसका कंपेटिटर भी होगा। तो अब देखिए, कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर क्रैश होता है मतलब उसके अंदर सेलिंग करके निकल रहा है इन्वेस्टर, सीधा सीधा बात है। अब देखिए, जब इन्वेस्टर सेल करके निकल रहा है तो इन्वेस्टर्स के हाथ में फ्री क्रैश आ रहा है, तो वो क्या दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक में लगा सकता है। बट मैक्स टू मैक्स केस में ऐसे ही देखा जाता है कि कोई भी स्टॉक का अगर बहुत ही सॉलिड कॉम्पिटिटर रहता है, ठीक है, एकदम बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर रहता है, तो इन्वेस्टर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के क्रैश होने से कौन ऐसा 7 शेयर है जिसके अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। तो दोस्तों, आपको याद होगा अदानी पावर, अदानी ग्रुप का एक बहुत शानदार कंपनी है जिसके अंदर दोस्तों लगभग 3 पावर सेक्टर का कंपनी है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन। बेसिकली अदानी ग्रुप का जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वो अदानी पावर सेक्टर से, ठीक। तो पावर सेक्टर से 3-3 स्टॉक के अगेंस्ट में टाटा सेक्टर का एक ही स्टॉक है, टाटा पावर, और टाटा पावर के साथ अदानी पावर का मतलब वर्षों से इसका कंपटीशन आते ही जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखोगे इंडिया के अंदर पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनी में अदानी पावर एंड टाटा पावर, ये दो ही बड़ा कंपनी है, उसको छोड़ के बाकी जो गवर्नमेंट कंपनियाँ जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, NTPC हो गया, वो तो गवर्नमेंट कंपनी है। बट बेसिकली 2 प्राइवेट कंपनी टाटा पावर एंड अदानी पावर, जिसके अंदर हमेशा ही लोग कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा फायदा होगा टाटा पावर को। आपको याद होगा आज से ठीक 2 हफ्ता पहले टाटा पावर एंड अदानी पावर के बीच में मैं एक कंपैरिजन का वीडियो भी पोस्ट किया था, उसके ऊपर मैं डायरेक्टली आपको कहा था कि जब बात आता है टाटा पावर एंड अदानी पावर के बीच तो दोस्तों टाटा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे भरोसेमंद जो ग्रुप वो हो ही नहीं सकता। मोस्ट वैल्यूएबल एंड ट्रस्टेबल ग्रुप है टाटा ग्रुप, तो उसका पावर सेक्टर का कंपनी, उसके पीछे मैं हज़ारों रीज़न भी दिखाया था उस पर। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पे अदानी ग्रुप क्रैश होने से यहाँ पे टाटा पावर को सीधा सीधा सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है अदानी ग्रुप का। उसके बाद दोस्तों, और एक स्टॉक को यहाँ पे फायदा होगा जो कि हाल ही में ये कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर के लिए, वो है पावर ग्रिड। देखिए, जिसके कारण आज मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हो गया, उसके बाद भी देखिए पावर ग्रिड के शेयर प्राइस में आज करीबन 1-1.5% के ऊपर तेज़ी देखने को मिला। शेयर प्राइस क्लोजिंग दिया 250 रुपये के आसपास। बट अगर हम लॉन्ग टर्म का बात करें तो ये शेयर एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, तो इसके कारण थोड़ा बहुत स्लो चलता है। देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पे एकदम लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 2007 से लेकर 2021 तक शेयर ने टोटल 147% का ही रिटर्न दिया। तो बहुत ज़्यादा स्लो स्टॉक है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली खरीदारी करने या ना करने का राय नहीं दे रहा हूँ, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिसीजन है। 17th of June को पावर ग्रिड का क्वार्टरली रिजल्ट है और उसके साथ साथ उसी दिन हमें कितने रेशियो पे कंपनी ने बोनस शेयर देने वाला है वो हमें पता चल जाएगा। आप बस इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं ना, उसी दिन मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो पावर ग्रिड को भी यहाँ पे डायरेक्टली फायदा होगा और उसका इफेक्ट आज की डेट पर हमें देखने को मिला, सीधा सीधा पावर ग्रिड की शेयर प्राइस में 1% का जंप। उसके बाद दोस्तों फायदा मिलेगा और एक शानदार पावर का कंपनी, ये भी
गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है एनटीपीसी को, एनटीपीसी को डायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि देखिए जो अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन से जो इन्वेस्टर कैश निकालेगा सेल करके, तो वो जो इन्वेस्ट करने का जो सबसे मैक्स टू मैक्स चांस है, मैं पॉसिबिलिटी की बात बोल रहा हूँ, कोई भी कंफर्मेशन नहीं, वो है टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे जो बड़े बड़े पावर सेक्टर का कंपनी है इसके अंदर। देख सकते हो एनटीपीसी जो कि ये भी एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा स्लो मूवर है। देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको ग्रीन में नज़र आएगा, पॉजिटिव में रिटर्न तो ज़रूर नज़र आएगा, बट कितना रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में देखिए, 2004 से लेकर 2021 तक से 87% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये सारे स्टॉक को डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ़ायदा मिल सकता है। देखिए उसके बाद और एक शानदार कंपनी गेल को मिलेगा, क्यों? आपको याद होगा कि अदानी ग्रुप का एक और कंपनी है गैस सेक्टर से, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL नाम से भी लोग जाना जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर से अगर लोग, उसके अंदर भी आज काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है, तो उसके अंदर भी इन्वेस्टर्स सेल करके निकल रहे हैं, तो ये चांस है कि जो उसका स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है गैस सेक्टर्स का, सबसे इंडिया का बहुत शानदार कंपनी गेल, इसका अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो बहुत बड़ा कंपनी है, देख सकते हो। तो इसके अंदर भी दोस्तों लगातार तेज़ी आने का चांस है। देखिए एक साल की अगर बात करें तो ये स्टॉक बहुत शानदार रिटर्न दिया, 63% का बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए गेल का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है। अगर हम दूसरे गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी यानी PSU स्टॉक से कंपेयर करें गेल का, तो देख सकते हो गेल का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है। हाँ बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल भी नज़र आएगा, बट स्टॉक का जो मूवमेंट है वो हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए लगभग 1200% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, अब खरीदारी करना या ना करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए उसके बाद और एक शानदार कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ये प्राइवेट कंपनी है, देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए 532 रुपये का शेयर, जिसकी आज की डेट पे देखिए इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ, बट इसके अंदर देखिए कोई खास क्रैश ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है वो है अदानी ग्रुप का अदानी गैस, तो सीधे सीधा फ़ायदा मिलेगा ये कंपनी को भी, इंद्रप्रस्थ गैस को। तो ये बहुत शानदार कंपनी है, प्राइवेट कंपनी होने के नाते कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है अपने शेयर होल्डर को। देखिए अगर हम बात करें तो देखिए करीबन 3500% के आसपास रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, जब से मार्केट में लिस्ट हुआ 2004 से लेके 2021 तक, शेयर प्राइस हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, काफ़ी अच्छा शेयर है। तो आपको अगर निवेश करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों स्टॉक थोड़ा सा फास्ट चलता है, आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न भी देता है, बट PSU स्टॉक में थोड़ा बहुत स्लो चलता है। उसके बाद और एक स्टॉक को यहाँ पे सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जिसका आज की डेट में हमें इफेक्ट देखने को मिल गया, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, इसका जो पेरेंट कंपनी है वो गेल है, इंडियन ऑयल है, ये सारे कंपनीज है। देख सकते हो आज मार्केट क्रैश होने के बाद भी ये स्टॉक के अंदर हमें छोटा मोटा जंप के साथ क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, पेट्रोनेट एक बहुत शानदार कंपनी है। देखिए ये शेयर जहाँ पे एक टाइम पे 7 रुपये के वाला स्टॉक हुआ करता था, आज की डेट में देखिए करीबन 250 रुपये के आसपास मिल रहा है, 3000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। साथ में कंपनी का जो पी वैल्यूएशन देखिए बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, डिविडेंड भी तगड़ा देता है, देखिए 3% का डिविडेंड मिल रहा है, लार्ज कैप कंपनी है 34,000 करोड़ का। तो ये स्टॉक का भी हमें डायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है अदानी ग्रुप अगर और ज़्यादा कैश हुआ। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक, महानगर गैस लिमिटेड, ये भी गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है, इसको भी डायरेक्टली फ़ायदा होगा। देखिए आज मार्केट क्रैश हुआ तो उसके बाद भी देखिए ये शेयर में कोई भी खास यहाँ पे क्रैश या गिरावट देखने को नहीं मिला। ये स्टॉक भी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अंडर वैल्यू है अभी भी, प्राइवेट कंपनी है, तो देख सकते हो दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को, देखिए 135% का। ये ज़्यादा पुराना लिस्टेड कंपनी नहीं है, देखिए 2016 में मार्केट में लिस्ट हुआ NSE के ऊपर, तो लगभग 4 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया दूसरे अगर हम कंपेयर करें तो महानगर गैस। ये जो 7 कंपनी मैं आपको सामने प्रेजेंट किया, तो ये 7 कंपनी से सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो होगा टाटा पावर को। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दिया, क्योंकि अदानी ग्रुप का जो बेसिक रेवेन्यू जनरेट होता है वो पावर सेक्टर से, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन से, तो वो जो मेन सेक्टर अगर क्रैश हो गया तो उसका डायरेक्टली फायदा होगा उसका जो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है टाटा पावर को। टाटा पावर तो अभी हम सुने होंगे कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो 7 स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताया, ये स्टॉक 7 स्टॉक को डायरेक्टली फायदा होगा। तो आप अगर इसका शेयर होल्डर है तो आपको तो एकदम लॉटरी लग चुका है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।